हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाला हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल। ओके, तो प्रैक्टिकल आज बेस्ड ऑन सेशन। कि सेशन क्या था? जो थियोरेटिकल कंसेप्ट था हमने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इसके अंदर देखने की जो प्रैक्टिकल सेशन होगा हमारा। प्रैक्टिकल सेशन में इन द सेंस कि प्रैक्टिकली किस तरह से हम सेशन को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं वाया यूजिंग एन वेबसाइट। वेब एप्लीकेशन के अंदर हम देखने वाले किस तरह से हम सेशन को इंसर्ट कर सकते हैं एंड उसके लिए आपको सेम दो फॉर्म क्रिएट करने। फर्स्ट दैट इज जो हमारा इंडेक्स पेज था, एचटीएमएल पेज था, एंड सेकेंड जो हमारा सर्वलेट पेज था। इस तरह से हम दो पेज क्रिएट करके जो हमारा सेशन है उसको क्रिएट करेंगे एंड उसका जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उसके लिए फर्स्ट आपको बेसिकली चीज लगने वाली है, दैट इज नेटबीन्स। तो नेटबीन्स आईडीई यहाँ पे प्रेजेंट है। इफ आपको इसका इंस्टॉलेशन पता नहीं होगा किस तरह से इंस्टॉल करना है या सेटअप फाइल्स आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की वीडियो दी गई है एंड सेम उस वीडियो के अंदर आपको जो डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा या सॉफ्टवेयर है उसका भी लिंक उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा नेटबीन्स स्टार्ट हो गया। तो आफ्टर ओपनिंग ऑफ नेटबीन्स, नेटबीन्स ओपन होने के बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करनी है? सिंपल प्रोसेस है, गो विथ द फाइल्स के जो स्टार्टिंग वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फाइल एडिट भी, उसमें से फाइल में जाना है। देन गोज विथ अ न्यू प्रोजेक्ट, इन अ न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट ऑप्शन ऑफ कैटेगरी दैट इज अ जावा वेब प्रोजेक्ट दैट इज अ वेब एप्लीकेशन। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने वाय यूजिंग अ सेशन। सो वी क्रिएट वेब एप्लीकेशन सेशन है नाम का, हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट सब रखना है, कोई भी सेटिंग के अंदर हमें चेंजेस नहीं करने एज इट इज। इफ आपने प्रीवियसली कोई चेंजेस किए होंगे तो उसके लिए आपको जस्ट लाइक जो हमने नेक्स्ट नेक्स्ट किया उसको पॉज करो थोड़ा सा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेप्स है वो देख सकते हैं। ओके, जो प्रीवियस विंडो थे यहाँ पे हमने क्लोज कर दिए, प्रीवियस प्रोजेक्ट मिनिमाइज कर देते। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेब एप्लीकेशन सेशन है प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। सो बस थोड़ा टाइटल चेंज कर देते हैं अच्छा दिखने के लिए। सो सेशन प्रैक्टिकल पे जो नाम आएगा एज इट इज एंड टू डो डिवीजन। डिवीजन के अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि लॉगिन फॉर्म हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे देखते हैं लॉगिन फॉर्म। देन लॉगिन फॉर्म के बाद जो हमारा फॉर्म मेथड होगा फॉर्म, सेम यहाँ पे जो दो कंटेंट ओके दो एट्रीब्यूट से हम फॉर्म के अंदर के वो लेने वाले, फर्स्ट इज अ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एंड सेकेंड दैट इज एक्शन इन द सेंस जो हमारे सर्वलेट का नाम होने वाला है। क्या हमें सर्वलेट का नाम देना है? तो यहाँ पे देंगे सेशन सर्वलेट। ओके, या एक चीज यहाँ पे रखो, एक चीज ध्यान में रखो कि जैसे कि जो आप सेशन यहाँ पे एक्शन का नाम दे रहे हो सेम आपको सेशन का नाम भी देना है। तो इसके वजह से जो केस सेंसिटिव सेंटेंस है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो उसके बाद जैसे कि लॉगिन फॉर्म हमने यहाँ पे बोला कि यूजर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, सिर्फ आपको अट्रैक्टिव ऑल इंफॉर्मेशन लिखने तो इनपुट टेक्स वगैरह लिख सकते हो यहाँ पे, बट उतना कंपलसरी नहीं है। टाइप इक्वल टू सबमिट सबमिट। ओके, देन वैल्यू इक्वल टू न्यू पेज। ओके, सिर्फ न्यू पेज के ऊपर जाने के लिए हम सेशन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, जस्ट लाइक कुकीज का आपने देखा होगा लास्ट वाला, कुकीज के अंदर जस्ट लाइक था कि कितने नंबर्स ऑफ टाइम हम विजिट करते हैं स्पेसिफिक वेबसाइट को। ओके, सेशन के अंदर भी हम सेम चीज़ परफॉर्म करेंगे बट एक डिफरेंस होगा इसके अंदर कि इसके अंदर जो भी नंबर्स ऑफ टाइम हम विजिट करेंगे उसको काउंट करने के बाद उसका जो सेशन है उसको एक्सपायर करेंगे। ओके, सेशन को स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें एक्सपायर करना है तो उस पर्पज के लिए हम यहाँ पे सेशन यूज करते हैं। सो एक पेज कर दिया सबमिट, सबमिट के बाद रीडायरेक्ट टू सर्वलेट, सर्वलेट उसको काउंट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट करते, तो सर्वलेट क्रिएट करते, तो राइट क्लिक ऑन एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट जो भी हमारा है, न्यू, न्यू के बाद सर्वलेट। सर्वलेट का नाम क्या देना है? सेम एज इट इज जो हमने यहाँ पे एक्शन के अंदर दिया है।
ओके सो देते हैं दैट इज सेशन सर्वलेट ओके तो मैच करके देखो कि सेम है क्या नहीं. इफ इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो डेटा फेच नहीं कर पाएगा एंड एरर आपको आ सकता है. क्लिक ऑन नेक्स्ट फिनिश के आफ्टर फिनिश है जो हमारा सर्वलेट है वो क्रिएट हो गया. देन सर्वलेट के अंदर हमें क्या तीन फाइल्स इंपोर्ट करने. कौन कौन सी फाइल इंपोर्ट करने तो इंपोर्ट फर्स्ट दैट इज जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट स्टार के फर्स्ट फाइल हमने इंपोर्ट कर दी. सेकेंड फाइल दैट इज इंपोर्ट बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार सेमीकोलन एंड थर्ड फाइल दैट इज इंपोर्ट इंपोर्ट डॉट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी डॉट स्टार सेमीकोलन. ओके तीन फाइल हमने इंपोर्ट कर दी. देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे जो हमारी मेथड है प्रोसेस रिक्वेस्ट. ओके तो उस प्रोसेस रिक्वेस्ट के पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दैट इज इंट काउंटर. ओके इंट वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया विथ अ वैल्यू विथ अ नेम काउंटर. सो इसको प्राइवेट कर देते कि हमें इसी मेथड के अंदर यूज करना है इसकी इस क्लास के बाहर इसको यूज नहीं करना. उस पर्पज के लिए हम इसको प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे. देन नेक्स्ट जो हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक होगा तो ट्राई कैच ट्राई के अंदर इसको डिलीट करते. सो यहाँ पे लिखते जो हमारा कोड होगा तो क्या करने वाले एचटीटीपी सेशन. सो एचटीटीपी सेशन ओके तो एचटीटीपी सेशन के अंदर एक चीज याद रखो एच कैपिटल होता है तो एचटीटीपी सेशन एस कैपिटल स्पेस ओके इसका नाम क्या देंगे ऑब्जेक्ट का दैट इज सेशन इक्वल टू न्यू सॉरी इस सेशन को वैल्यू हमें असाइन करने दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन इज ट्रू. एक सेकेंड गेट सेशन ओके ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ट्रू. गेट सेशन वैल्यू ट्रू ये हो गया हमारा सेशन डिक्लेयर हो गया सेशन एक्टिव है. आफ्टर दैट ओके सेशन एक्टिव हमने डिक्लेयर कर दिया देन इफ चेक करेंगे ओके इफ जो हमारा सेशन है डॉट इज न्यू न्यू है क्या नहीं ओके तो इफ ए न्यू होगा तो वैल्यू ट्रू आएगी हमें. तो ट्रू आने के बाद हमें क्या डिक्लेयर मैसेज करना है आउट डॉट प्रिंट ln प्रिंट ln के अंदर क्या स्टेटमेंट देंगे जस्ट लाइक कि फर्स्ट टाइम न्यू है इन द सेंस फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है सो दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर विजिटेड दिस पेज ये फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है इसके लिए एल्स इफ फर्स्ट टाइम नहीं है तो कितने टाइम्स पे नंबर्स ऑफ टाइम्स इसको काउंट करना पड़ेगा. तो उसको काउंट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे सिंक्रोनाइजेशन करेंगे. तो सिंक्रोनाइज राउंड ब्रैकेट सिंक्रोनाइज किसको करना है हमें हमारे सेशन को दिस सेशन डॉट सर्वलेट डॉट दिस इस सेशन को हमें क्या करना है सिंक्रोनाइज करना है. देन अगेन इसके जो मेथड के इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इफ जो अभी काउंट करेंगे हम नंबर जो काउंटर होगा हमारा काउंटर इज इक्वल टू 10 इफ जो हमारा काउंटर है उसकी वैल्यू 10 होगी तो हमें क्या करना है सेशन को इनवैलिड डिक्लेयर करना है. तो सेशन डॉट इनवैलिड ओके इफ 10 वैल्यू होगी तो हमारा सेशन इनवैलिड होगा एंड काउंटर इज इक्वल टू वैल्यू 0 ओके तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 करने वाले. देन नेक्स्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे रिवर्स वैल्यू करेंगे फॉल्स
कि हमें क्या होने वाला है, वैल्यू फॉल्स होगा, देन आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे क्या मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे, दिस सेशन हैज बीन एक्सपायर, ये सेशन क्या है हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो ये मैसेज हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। देन अभी जो एल्स पार्ट है इसके अंदर का, इफ पार्ट कंप्लीट कर दिया हमने, एल्स ए वैल्यू 10 के बिलो होगी तो क्या हमें मैसेज डिस्प्ले करना है, जो काउंट होगा वो काउंट डिस्प्ले करना है यहाँ पे हमें, कि आउट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आउट डॉट प्रिंट एल एन, देन नंबर्स ऑफ काउंट कितना चालू है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, यू हैव विजिटेड दिस पेज, कि कितने टाइम नंबर्स ऑफ टाइम हमने विजिट किया है, प्लस प्लस यहाँ पे वो काउंटर वेरिएबल हम देंगे, काउंटर के वेरिएबल था डिक्लेयर कर दिया, एंड नंबर्स ऑफ टाइम्स, टाइम्स कीवर्ड, ओके सो इतने टाइम्स तक हमने क्या किया उस वेबसाइट को विजिट कर दिया, एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद काउंटर प्लस प्लस, काउंटर की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के, इतना ही आपका प्रैक्टिकल है। सो अफ्टर दैट जो हमारा HTTP इंडेक्स पेज है, ओके इंडेक्स डॉट HTML पेज है, उसको हमें क्या करना है यहाँ पे रन करना है, ये सभी प्रोसेस को सेव करना है, रन करना है, ओके आफ्टर रन करने के बाद नॉर्मल जो आपका ग्लास पी सर्वर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका वेब एप्लीकेशन रन हो जाएगा, एंड आपको जो पॉपअप मैसेज आएगा दैट इज एन जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा या आपने सेट किया होगा वो ब्राउजर यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। ये सो यहाँ पे मेरा ये ब्राउजर ओपन हो गया, ये स्क्रीन विजिबल है सबको, तो फर्स्ट क्लिक ऑन न्यू पेज, तो फर्स्ट टाइम हमने विजिट कर दिया, देन अगेन न्यू पेज, जीरो टाइम, वन टाइम, टू टाइम, कि जितने भी नंबर्स ऑफ टाइम आप क्लिक करोगे उतना यहाँ पे मैसेज इंक्रीज होता जाएगा। अभी आप इन 9 और 10 10, ओके 10 टाइम होने के बाद सेशन एक्सपायर, आफ्टर सेशन एक्सपायर अगेन हम करेंगे तो फर्स्ट टाइम से वापस चालू हो जाएगा। तो काउंट यहाँ पे जो कंटिन्यूली क्या होता है प्रोसेस में होगा, और जस्ट लाइक जो भी हमने कंडीशन दिया कि जीरो कि स्टार्टिंग में जीरो था, एंड अगेन गो 10 तक जाएगा, 10 के बाद अगेन एक्सपायर हो जाएगा। तो यही सिंपल प्रैक्टिकल आपको सेशन को एग्जीक्यूट करना है। इफ कोई भी डाउट होगा इस प्रैक्टिकल के रिगार्डिंगली या कोई भी क्वेरी होगी तो कमिंग सेशन में बता सकते हैं, एंड इसका जो कोड है जो जिप फाइल टेक्स्ट फाइल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके एंड सिमिलर जो प्लेलिस्ट है इस पूरे प्रैक्टिकल की वो आपको एंड ऑफ द सेशन के एंड ऑफ द दिस वीडियो मिल जाएगी। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।